हेलो फ्रेंड्स, मैं जितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रैक में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कौन सा हेलमेट आपका जो सर के लिए सही फिट रहता है। जब आप चूज करने जाओगे शॉप में या फिर किसी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो आपके लिए कौन सा हेलमेट सही रहे जो आपको सर के हिसाब से फिट हो जाए। जो हेलमेट्स यूज करते हैं उन्हें पता है उनका साइज क्या है, वो अपने हिसाब से खरीद लेते हैं, लेकिन जो न्यू कस्टमर आते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा हेलमेट जो कस्टमर ले, नया कस्टमर, उससे कौन सा साइज का हेलमेट चाहिए और कौन सा हेलमेट उसे फिट हो जाए। तो इंडियन मार्केट में क्या है, बहुत सारे कंपनियां हैं आपका पता है, जैसे कि स्टार्स हो गया, स्टीलबर्ड हो गया, SMK हो गया, आपका एक्सोर हो गया, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियां भी है, बहुत सारे दाम का भी हेलमेट मिलता है, कॉस्टली भी है, थोड़ा सा लो रेंज का भी आ जाता है। तो उन साइज, उन सब में क्या होता है, साइज सारे लिखे होते हैं। तो ये जो हेलमेट्स जो होते हैं आपका, चार टाइप के होते हैं, चार या पांच से बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओपन फेस हो गया, फुल फेस हो गया, आपका मॉड्यूलर हेलमेट हो गया, स्पोर्ट्स टाइप का हो गया या फिर डैट हेलमेट हो गया, उन सब का भी साइज है। तो कस्टमर जब आता है तो वो क्या करता है, कोई देख लेता है YouTube से या नेट से, उन्हें पता है मुझे कौन सा साइज चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूजन रहता है कौन सा साइज हम ले हमें फिट हो जाए। तो उसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेजरमेंट टेप लेना पड़ेगा और आपका जो होता है सर का मेजरमेंट करना पड़ता है, जो आपका क्राउन साइड का ये पूरे सर्कमफेरेंस जो होता है उसको मेजर करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, आपको एक टेप चाहिए होता है जो आपका मार्केट में इजीली अवेलेबल होता हो जाता है, 15-20 रुपए का आता है, मेरे पास भी है। कस्टमर आते हैं अपने हिसाब से चूज करते हैं, लेकिन कोई कोई कस्टमर करता है मेरे भी नाप लो, मैं उनका भी नाप के उनके हिसाब से देता हूँ जो साइज होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नापना है आपका सर का सर्कमफेरेंस और उसके हिसाब से कौन सा आप हेलमेट ले। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये टेप है, मेजरमेंट टेप। तो एज पर जो कंपनी आप बोलते हैं उसके हिसाब से मैं भी आज मेजरमेंट करूंगा और आपको बताऊंगा मेरा सर का कितना है और कौन सा साइज का मुझे हेलमेट लगता है, या आप उसी हिसाब से अंदाज लगा लीजिएगा आपका भी इसी हिसाब से हेलमेट लेना है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, जो ये टैप है इसको आपको यहाँ पे रखना होगा, ये हो गया आपका आईब्रो के ऊपर से लेना है, और आपका ये कान हो गया, कान के साइड से लेके पीछे से आपका आगे तक लाना है, जैसे कि ये देखिए, पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है, पूरा टाइट करोगे तो जैसे कि आपको कंफर्ट लगे उसी हिसाब से ये आपको रखना है। जैसे कि ये हो गया ईयर का और बैक साइड का हो गया आगे तक का, आप देख सकते हो इस हिसाब से थोड़ा सा लूज करना है और इस हिसाब से लेना है आपको, और मेजरमेंट टेप को देखना है कितना आपका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो मेजरमेंट है आपका CM के हिसाब से ये 57 CM है। तो 57 CM के हिसाब से 56 अगर मैं लेता हूँ तो मुझे टाइट हो जाएगा, 57 के हिसाब से लूंगा तो मुझे फिट हो जाएगा या फिर टाइट भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 58 CM के हिसाब से लूंगा। जैसे कि हेलमेट सारे आते हैं, एक आता है आपका स्मॉल साइज में, मीडियम साइज में, लार्ज साइज में और XL। बस जा रहा है, क्या करे साउंड आ रहा है। तो ये जो चारों जो साइज होता है उसके हिसाब से आपको प्रिफर करना है, ये मेजरमेंट टेप है, मेजरमेंट करना है और प्रिफर करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, किसी किसी का जो कंपनियां होता है वो क्या करते हैं, आपका आपका आदमी के हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से हेलमेट बनाते हैं, उसका भी चार्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा मेरा राइट साइड में। साथ ही साथ आपका मेरे पास देख सकते हो स्टील बैड का है, स्टील बैड का भी चार्ट है, आप देख सकते हो स्टील, और आपका स्टड्स का उसका भी चार्ट है, और आपका भेगा का उसका भी चार्ट है, SMK एक्सर, ये सारे कंपनियों का चार्ट आता है। तो उसी के हिसाब से आपको प्रिफर करना है। ये तो हो गया आपका
ऑफलाइन में। जब ऑफलाइन में आप जाओगे तो क्या करोगे, हेलमेट उसके हिसाब से, आपका मेजरमेंट के हिसाब से, आपके सर के हिसाब से चूज करना है। ऑफलाइन में जब जाओगे तो इस हिसाब से लेना है। जब ऑनलाइन में जाओगे तो क्या होता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बहुत सारे जो हेलमेट स्टोर्स होते हैं उनका भी पर्सनल ऑनलाइन चैनल है, उसके हिसाब से वो देते हैं आपका जो होता है साइज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आपको प्रिफर करना है। लेकिन आपको ये श्योर होना है वो रिटर्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने कस्टमर देखा है ऑनलाइन से ले आते हैं लेकिन उनका होता नहीं है, फिर वो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हो रहा है, उसके बदले में कुछ और दे दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको श्योर होना है फिर उसके बाद खरीदना है। ऑफलाइन में क्या है कि आप जाओगे किसी स्टोर पे, इजीली पहन सकते हो, आपके हिसाब से ले सकते हो, और पहनने के बाद 4-5 मिनट तक आपको देखना है वो हेलमेट सही तरह से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा रख देता हूँ साइड में, फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आपको जो आपका यहाँ पे जो होता है प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर आप खरीद लोगे हेलमेट तो यहाँ पे आपको पता चला यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, कान आपका दुख रहा है यहाँ पे, या फिर राइडिंग के टाइम पे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये कंफर्टेबल आप राइडिंग नहीं कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। क्या होता है कि किसी किसी कस्टमर का हेड का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ऊपर का बड़ा होता है लेकिन नीचे का यहाँ तक का जो होता है, जो जो होता है चीक जो होता है वो छोटा होता है, और किसी किसी का आपका जो होता है आपका चीक साइड का बड़ा रहता है लेकिन यहाँ पे छोटा रहता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। उसके हिसाब से आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इजीली जो आप चूज कर सको। तो ये तो हो गया ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात। अब मैं बताऊंगा जो आपका हेलमेट जब खरीदोगे तो कैसे पता चलेगा ये आपका हेलमेट फिट हो रहा है। आप तो आए खरीद लिए और लेके चल लिए, पता चला ये आपका फिट हो रहा है, जैसे कि आप राइडिंग कर रहे हो बाइक में तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड में जाओगे तो आप थोड़ा सा नोट करोगे किसी किसी हेलमेट ऐसे उड़ जाता है। अच्छे ब्रांडेड कंपनी है लेकिन क्या होता है कि एयर फ्लो से ऊपर हो जाता है, तो वो सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए सही नहीं है। तो कैसा पता करना है आपको, मेजरमेंट टेप एक हो गया, उसी के हिसाब से, या फिर आप मैन्युअली आपका यूज करके देख सकते हो। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका हेलमेट है मेरे पास, ये आपका जो होता है आपका ये लार्ज साइज का है जो मेरे साइज के हिसाब से, साथ ही साथ ये मेरे पास जो है स्टील बड का है, ये दोनों का मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा क्या है और किस हिसाब से आपको लेना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो मैं मेरे साइज के हिसाब से पहन रहा हूँ, तो उसमें क्या है जब आप हेलमेट पहनोगे ये आपने हेलमेट पहना, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपका फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा आपको, आपको देखना है ये जो होता है आपका चीक का जो होता है, यहाँ देख रहे हो आप ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, लूज लोगे तो फिर ये पूरा लूज ही रहेगा। साथ ही साथ आपको ये हेलमेट को मूव करना है, जैसे ये किया मैंने, देखा आपने ये चीक साइड का पूरा ऊपर हो गया, और इधर किया ये भी ऊपर हो गया। साथ ही साथ मैं हेलमेट को ऐसे कर रहा हूँ देखिए मेरे हेड के साथ एकदम फिक्स है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं जिधर भी जो कर रहा हूँ मेरे साथ वो फिक्स है, तो ये प्रॉपर बैठ रहा है। और आपको क्या करना है यहाँ पे भी चेक करना है कि ये तो लूज नहीं है, कैसे करना है, जो आपका फिंगर होते हैं एक या दो फिंगर आपको यहाँ पे पुश करना है, अगर ये घुस जाता है तो फिर ये लूज है, आपके लिए सही नहीं है, इसको नहीं खरीदना है क्योंकि ये आपको आगे जाकर दिक्कत करेगा, और ये जब राइडिंग करोगे तो हेलमेट क्या होता है उड़ जाता है ऐसे ऐसे, तो ये मेरे हिसाब से जो हेलमेट था मेरा साइज के हिसाब से ये सही था। इस टाइप का हेलमेट आपको खरीदना है। सेम चीज आपका मैं स्टील बार का दिखा रहा हूं, जो ये सबसे बड़ा वाला है आपका जो होता है, ये कितना है आपका 60 mm का है,
तो उसको आप देखोगे ये क्या है, पूरा एकदम घुस जाता है। देखिए ये पूरा घुस गया, और ये देखिए पूरा मूव कर रहा है, मेरा उंगली एकदम, हाथ एकदम घुस जा रहा है, यहाँ पे टाइट नहीं है। तो ये था आपका 58 जो होता है mm का था, ये आपका 60 mm का है जो पूरा लूज है। आप देख सकते हो इधर वो जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जिसका सर का साइज ज्यादा है, यानी कि जो बड़ा है सर का साइज, तो ये 60 mm का प्रीफर कर सकता है। जिसका थोड़ा सा छोटा है वो आपको इस हेलमेट को यूज कर सकता है। आपको पहले मेजरमेंट करना है कौन सा मैं लूँ और कौन सा सही रहे। हर किसी का हेलमेट का भी साइज सही तरह से नहीं होता है, जैसे कि किसी किसी हेलमेट का जो आउटर सेल जो होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो किसी का आउटर सेल छोटा रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे ये 60 mm का हो गया इस कंपनी का तो इसका हो जाएगा, हो सके वो आपको टाइट हो, फिर और कोई दूसरी कंपनी का 60 का जो होता है mm का जो बड़ा साइज वो आपका टाइट हो और लूज भी हो जाए। तो ये वेरिएशन रहता है हेलमेट में, उसको आपको पहले देखना है, तो उसके हिसाब से आपका जो होता है हेलमेट खरीदना है। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसे मैंने बताया किस टाइप का हेलमेट आपको खरीदना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेजरमेंट के हिसाब से हेड आपका सर का मेजरमेंट के हिसाब से खरीदना है, तो इस टाइप से आप खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।